एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर। प्रदीप शर्मा ने कहा है कि जासूसी के लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। एनआई को दिए इंटरव्यू में ये बात कही है बीजेपी नेता जयनारायण व्यास जी। हमारे साथ इस बीच फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जयनारायण व्यास जी। आपकी पहली प्रतिक्रिया, प्रदीप शर्मा ने साफ तौर पर कहा है जासूसी कांड के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। देखिए, ये गैर जिम्मेदाराना बात है। वो खुद जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं और यही मुद्दों को लेके गए हैं, तब कोर्ट के दायरे के बाहर ये बात करने के कोई मतलब नहीं है। और जिस तरह के इनके संबंध है, जिस तरह के इनके ताल्लुकात है राज्य सरकार के साथ, और जिस तरह के आक्षेपों का वो सामना कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि इनकी बातों को जैसे वो कहते हैं वैसे ही फेस वैल्यू पे लेना एक बहुत बड़ी गलत बात होगी। ये मैं समझता हूं कि बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है इनका। और जब वो इनके न्यायपालिका के पास खुद गए हैं, तब जो भी उन्हें कहना है वो वहां कहना चाहिए। दो जगह पे ये अपनी बात कैसे रख सकते हैं। लेकिन जय नारायण व्यास जी, आपको नहीं लगता कि प्रदीप शर्मा ने जो ये आरोप लगाया है इसके बाद नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं? क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट पे उन्होंने एफिडेविट दायर किया ही है, लेकिन उसके साथ ही अब उन्होंने डिटेल्स देकर बताया है कि किस तरह से उन पर भी जासूसी की गई। देखिए, वो खुद आक्षेपित है, उनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड भी आक्षेपित है। और जब इनके राज्य सरकार के साथ ताल्लुकात उतने ठीक नहीं है, तब वो जो बात कहते हैं उनको भी मैं मानता हूं कि उसको जो भी कहे वो सही है मान के चलना। ये मैं नहीं कहूंगा कि सही होगा। और अगर इनको इतना ही अपनी बात पे भरोसा है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए हैं, तो वहां माननीय सुप्रीम कोर्ट में ही कहे जो कहना है, उनको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नारायण व्यास जी, लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह से बार बार ये मामला सामने आ रहा है जासूसी कांड का, और जिस तरह से लगातार सवाल उठ रहे हैं, जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होकर सच्ची जो साफ तस्वीर है वो सामने आनी चाहिए? देखिए, वो समय आने पे सब ठीक जो है वो सामने आएगा, मगर जिन्होंने ये जासूसी कांड की घटना को उजागर किया है, उन्होंने खुद भी ये जो मटीरियल रखा है पब्लिक डोमेन में, उसके साथ उसकी जो सत्यता है उसके बारे में अपनी कोई स्वीकृति नहीं है, वो बात कह के रखा है। अब जब आप कोई चीज ऐसी रखते हो कि आप कहोगे कि इसकी सत्यता के बारे में हम आश्वस्त नहीं है, फिर उसको लेकर हम बहस चलाएं, तो ये भी लाजमी नहीं है।